जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइसिंग। बाइसिंग वर्ड का मतलब फेवर करना। हम कहते हैं यार ये बंदा बहुत बाइस्ड है, इन दो दोस्तों के लिए इतना बाइस्ड है, कुछ भी कर जाता है इनके लिए, मतलब बाइस्ड है। और आम बंदा जाए तो पूछता नहीं है यार ये बाइस्ड है ये, ठीक, तो इसका डिसीजन बाइस्ड है। ऐसे ही कुछ इसमें बाइसिंग होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कोई तो फेवर करने वाला है किसी को, कौन किसको फेवर करेगा वो देखते हैं। उसके लिए बाइसिंग दो किस्म की है। जब हम पीएन जंक्शन की बात करते हैं, डायोड की बात करते हैं, इसके साथ अब हम क्या चाहते हैं, एक बैटरी को कनेक्ट करना। देखो जंक्शन बना के क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे दुनिया में जंक्शन बन गया, करना क्या है उसका, कुछ काम तो आए, काम करने के लिए करंट तो जुड़ाओगे ही, और क्या लगाओगे, बैटरी। अब बैटरी लगाने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला, अगर मान लो ये आपके पास एक पीएन जंक्शन है, ये पी है और ये एन है, और आपने बैटरी कुछ ऐसे लगाई कि पी इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव और एन इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, या आपने उल्टी लगा दी, मतलब ये पी है और ये एन है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो ध्यान से देखो, जब P पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, N नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इस बाइसिंग को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग। और अगर आपका P नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, N पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, उल्टी कनेक्टेड है, इसे बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। अब क्यों बोलते हैं और ये कैसे काम करती है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सी बाइसिंग पढ़ेंगे, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में ये आपके सामने पी रीजन है, ये एन रीजन है, पी के पास मेजोरिटी में कौन है, होल्स हैं, एन के पास मेजोरिटी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये मैंने इसके साथ एक बैटरी लगा ली, प्लस एंड माइनस। अब शुरू करते हैं। अब इसके अंदर ये डिप्लीशन लेयर है, डिप्लीशन लेयर में उल्टे चार्ज होते हैं, सबको पता है, पी के अंदर नेगेटिव हो जाता है, एन के अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ऐसे। तो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर है, वीबी क्रिएट हुआ हुआ है, जो फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स को जाने नहीं दे रहा था। अब बैटरी आई, बैटरी कहती है अच्छा कौन नहीं जाने दे रहा मेरे को बताओ, तो मैंने कहा भाई ये जा नहीं रहे इधर, तो उसने कहा मैं जाके दिखाती हूँ, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, आपको सी टू को रिपेल किया, पॉजिटिव चार्ज तो सीट होती है। देखो हम ऐसा बोलते हैं पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, पर अदरवाइज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आके बैठ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पड़ोस का इलेक्ट्रॉन जो है ना होल पे बैठ जाता है, होल आगे चला जाता है, पर हम इस डिटेल में डिस्कस नहीं करते, हम सिंपल बोलते हैं पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया और होल राइट की तरफ गए, और नेगेटिव ने नेगेटिव को रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आए। तो हुआ क्या, इसके अंदर ये पॉजिटिव है, ये इस तरफ है, ये नेगेटिव है, ये इस तरफ है, ये तो 100 होल 100 इलेक्ट्रॉन चले होंगे, पर मैं एग्जांपल एक के साथ कर रहा हूं, तो एक होल चला, वहां से एक इलेक्ट्रॉन चला, जैसी होल और इलेक्ट्रॉन चला ये आपस में कहीं जंक्शन के पास क्या हो गए, कंबाइन हो गए, जो कर नहीं पा रहे थे, अब बैटरी ने सफिशिएंट एनर्जी दी और क्या किया, इन्हें कंबाइन कर दिया। बैटरी किसे फेवर कर रही है, मेजोरिटी कैरियर्स को, क्योंकि मेजोरिटी कैरियर जा नहीं पा रहे थे, जब बैटरी आई अब मेजोरिटी कैरियर जा पा रहे हैं, और जाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, तो मेजोरिटी कैरियर ने कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिया। अब गए तो 100 होल्स और 100 इलेक्ट्रॉन और कंबाइन में हुए, तो यहां पर प्लस और माइनस है, तो ये कंबाइन हुए, जैसे प्लस और माइनस कंबाइन हो गए उसी टाइम, अब ऐसे तो एक हुए, फिर दो हुए, फिर तीन हुए, फिर 100 हुए, फिर सारे खत्म हो गए, तो फिर खत्म हो गया तो पी को पी नहीं बोलेंगे, एन के डोपेंट खत्म, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो क्या हुआ, जैसे एक होल इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हुआ, इसके अंदर ये वाइट कुछ नहीं है, सिलिकॉन 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 के लाखों करोड़ बॉन्ड तो दिख नहीं रहे, प्लस साइन तो डोपेंट का है, अंदर तो करोड़ों लाखों सिलिकॉन के बॉन्ड्स हैं। तो क्या हुआ, इसमें सिलिकॉन का बॉन्ड टूट गया, बैटरी ने सिलिकॉन का, जैसे ही इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हुआ, अंदर सिलिकॉन का एक बॉन्ड तोड़ दिया बैटरी ने, जैसे बॉन्ड तोड़ा क्या रिलीज करवा दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कंडक्शन बैंड में आ गया, वैलेंस में था, आराम कर रहा था, कंडक्शन फ्री टू मूव हो गया, और बैटरी ने नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया और खींच के वापस इसको दे दिया, इसका हिसाब पूरा। ये कहता जी मेरा इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था, मेरे को मेरा इलेक्ट्रॉन मिल गया। पी कहता मेरा होल गायब हुआ था, तो बैटरी कहती कोई टेंशन नहीं,
जब तेरा इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, यहां शिफ्ट होके अपनी जगह क्या छोड़ गया, होल, हिसाब बराबर। अब बैटरी फिर इस पॉजिटिव नेगेटिव को धक्का मारेगी, फिर कंबाइन होगा, जैसे ही कंबाइन होगा होल इलेक्ट्रॉन गायब होगा, उसी टाइम फिर बॉन्ड टूटेगा, फिर इलेक्ट्रॉन घुमा के बैटरी इसको दे देगी, होल यहां आ जाएगा, हिसाब फिर पूरा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता जाएगा, मतलब ये बनते जाएंगे, ये बॉन्ड टूटते जाएंगे, बनते जाएंगे, बॉन्ड टूटते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा है, बैटरी उठा उठा के इलेक्ट्रॉन को देख रहे हो, इसको दे रही है, तो वायर में जो करंट है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका करंट है। इसके अंदर जो बैटरी के अंदर जो आपने वोल्टेज लगाई, उसने वीबी के साथ झगड़ा किया, क्योंकि वीबी कहता था मैं जान नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन होल को, बैटरी कहती है ऐसे कैसे जाने देगी, मैं इसको लेके जाऊंगा, तो इसका झगड़ा हो गया, इसको बायस नहीं कर रही, इसको बायस कर गई मेजोरिटी कैरियर को, बायस कर गई, उसका फेवर कर गई, इसका फेवर नहीं किया, इसका फेवर कर गई। इस वोल्टेज को नाम दिया जाता है फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, या फिर फॉरवर्ड वोल्टेज एक ही बात है, फॉरवर्ड वोल्टेज। और इस जो करंट है, ये जो करंट है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, सही है। लिखने का तरीका ऐसे तो ना लिखना है, लिखने का तरीका ये रहा, आपने डायग्राम बनाना है पी और एन का, और क्योंकि अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन और होल्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मूव करने शुरू हो गए बैटरी की वजह से, डिप्लीशन लेयर जो मोटी थी वो क्या हो गई, ऑलमोस्ट पतली हो गई, क्योंकि अब डिप्लीशन तो हुआ नहीं, अब तो मूवमेंट स्टार्ट हो गई, और जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो ये डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, पतली हो जाती है, नामात्र हो जाती है, काफी पतली हो जाती है। तो इसके अंदर ये डायग्राम बनाओगे होल्स और इलेक्ट्रॉन के, होल्स के रीजन में नेगेटिव बनाओगे, नेगेटिव के रीजन में होल्स बनाओगे, पोटेंशियल बैरियर शो करोगे, शॉर्टकट में ये पी और एन है, पी और एन प्लस विद पॉजिटिव, एन विद नेगेटिव, फॉरवर्ड बायसिंग का सिंबल ड्रॉ करोगे, और कैसे लिखोगे, द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, बैटरी की वोल्टेज को क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, अपोजेस द पोटेंशियल बैरियर वीबी, उसने कहा झगड़ा किया बैटरी की वोल्टेज ने वीबी के साथ झगड़ा कर लिया, अपोज किया, ड्यू टू इट पोटेंशियल बैरियर इज कंसिडरेबली रिड्यूस, वो कह रहे हैं डिप्लीशन लेयर बिकम्स थिन, जिस वजह से डिप्लीशन लेयर क्या हो गई, पतली हो गई। The majority carriers electron in n region are repelled by negative potential of the battery and move towards the junction. वो कह रहे जी हुआ क्या, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज majority carrier है, प्लस ने प्लस को क्या किया, रिपेल किया, माइनस ने इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, और इन दोनों ने मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स जंक्शन। सिमिलरली मेजोरिटी कैरियर पी रीजन में आर रिपेल्ड बाई दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दी बैटरी, तो पी पॉजिटिव को पॉजिटिव ने रिपेल किया, नेगेटिव को नेगेटिव ने रिपेल किया। दी पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ पी रीजन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन रीजन एंड नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एन रीजन अट्रैक्ट दी होल फ्रॉम पी रीजन। जब ये जंक्शन की तरफ पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन ने होल को, होल ने इलेक्ट्रॉन को जो है अट्रैक्ट किया। ऑन क्रॉसिंग द जंक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल विल कंबाइन विद ईच अदर। बैटरी से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन होल की क्या हो गई, कॉम्बिनेशन हो गई। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन, अगर एक होल एक इलेक्ट्रॉन को जाके मिलता है, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन होल कॉम्बिनेशन अ कोवेलेंट बॉन्ड नियर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ब्रोकन। तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और क्या होता है, लिबरेटेड इलेक्ट्रॉन, अपने वर्ड में लिख देना कि एज ईच होल कंबाइन विद इलेक्ट्रॉन अ कोवेलेंट बॉन्ड इन पी रीजन इज ब्रोकन एंड इलेक्ट्रॉन लिबरेटेड इज अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इज सप्लाइड टू द एन रीजन एंड द करंट प्रोड्यूस इज नोन एज फॉरवर्ड करंट। अपने वर्ड में लिख दो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक। तो अपने वर्ड में लिख देना इस तरीके से गिरा, और इस करंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट। और क्योंकि डायोड ने करंट को, मेजोरिटी करंट को पास होने दिया, और अगर होने दिया और डिप्लीशन लेयर पतली हो गई, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन इज लो व्हेन करंट इज फॉरवर्ड बायस। जब करंट फॉरवर्ड बायस होता है तो रेजिस्टेंस डिप्लीशन लेयर की काफी कम हो जाती है, क्योंकि काफी मेजोरिटी कैरियर उसमें से क्रॉस होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में तो कुछ करना ही है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं रिवर्स बायसिंग में। क्यों नहीं होता, क्योंकि रिवर्स बायसिंग के अंदर होता क्या है, ये आपका पी रीजन है, ये आपका एन रीजन है, मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और पी रीजन में नेगेटिव है और पॉजिटिव है, उल्टा कनेक्शन है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्या हुआ, ये पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था, कैसे, यहां पे नेगेटिव था और एन की तरफ पॉजिटिव था, ऐसे था। अब क्या हुआ, इस नेगेटिव ने सारे होल्स को लेफ्ट की तरफ खींच लिया और सारे प्लस ने सारे इलेक्ट्रॉन को राइट की तरफ खींच लिया, जंक्शन पे जाने से मना कर दिया। पोटेंशियल बैरियर खुश हो गया, कहता चल ठीक है, मैं भी तो ये चाहता था कि ना जाए। बैटरी कहती मैं भी अब चाहती हूं कि ना जाए। अब बैटरी ने किसको बायस कर दिया, पोटेंशियल बैरियर को। अब बैटरी ने किसको फेवर किया, बैरियर को फेवर किया, मेजोरिटी कैरियर को फेवर नहीं किया। मेजोरिटी कैरियर अब क्या चाहते हैं, अब वो बिल्कुल भी जंक्शन की तरफ नहीं जा पाएंगे तो करंट इसमें दौड़ेगा ही नहीं। लेकिन होता क्या है, आपको याद होगा जब हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर किया था, पी टाइप में मैंने बताया था नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इक्का दुक्का छुपे हुए कुछ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे इसमें, बहुत माइनॉरिटी, इक्का दुक्का। और ऐसे ही एन रीजन में इक्का दुक्का होल्स पड़े हुए थे। ये खुश हो गए, कहते हैं बढ़िया हो गया, मेजोरिटी कैरियर तो जब मेजोरिटी कैरियर तो पीछे भाग गए, हमें फायदा हो गया। कैसे, हम माइनॉरिटी हैं, माइनस ने क्या किया, इस माइनस को रिपेल किया और प्लस ने प्लस को रिपेल किया। मेजोरिटी कैरियर तो भागा नहीं, माइनॉरिटी कैरियर जंक्शन क्रॉस कर गया। तो मैं ये नहीं कह सकता इसमें करंट नहीं होगा, करंट होगा, इतना छोटा करंट होगा जो किसी काम का नहीं है, पर करंट तो होगा। और इसमें जो करंट दौड़ेगा इसको बोलते हैं रिवर्स करंट या लीकेज करंट। करंट लीक कर गया, मैं चाहता था कि मेजोरिटी करंट इसमें ना जाए, मैं चाहता हूं ये करंट ना पास करे, पर फिर भी इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन पास कर गए, वो माइनॉरिटी थे, कोई बात नहीं, ना मात्र करंट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट हाँ माइनॉरिटी करंट है। क्लियर है यहां तक। और इसमें डिप्लीशन लेयर और बड़ी हो जाती है और बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करती है करंट को, क्योंकि इसमें कोई भी जो आपके इलेक्ट्रॉन होल्स है जंक्शन को इजिली क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो इसमें एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है रिवर्स बायसिंग के ऊपर, तो मुझे पता नहीं क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, बस ये लिख देना है डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है, रेजिस्टेंस इसकी हाई हो जाती है और इसके करंट को क्या बोलते हैं, इसके करंट को बोलते हैं लीकेज करंट या रिवर्स करंट। ठीक। और मैं बता देता हूँ जो फॉरवर्ड करंट था फॉरवर्ड बायसिंग में वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि बहुत मेजोरिटी कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं, और रिवर्स बायसिंग के अंदर करंट बहुत छोटा होता है, बहुत माइनॉरिटी कैरियर क्रॉस करते हैं। तो मेजोरिटी कैरियर में करंट मिली एम्पियर में होता है 10^-3, और इसके अंदर जो करंट है लीकेज करंट या रिवर्स करंट बहुत छोटा होता है 10^-6 माइक्रो में होता है, 1000 कम होता है, माइक्रो हो गया ना, मिली माइक्रो में बहुत फर्क होता है, तो मतलब माइक्रो करंट तो नेग्लिजिबल ही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है, रिवर्स और फॉरवर्ड बायसिंग का क्या इसमें कॉन्सेप्ट है।